फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर का वेबसाइट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ 20 से 25 दिन में। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर का वेबसाइट को कोई भी कीवर्ड्स पे जो भी है वो रैंक कर रहे हैं, आपका कंपटीटर है उसको आप रैंक उससे आप ऊपर जाना चाहते हैं, रैंक करवाना चाहते हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक गेन करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से आप करेंगे, तो सिर्फ 1 महीना के अंदर जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, सिर्फ 20 से 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना का टाइम लगने वाला है अगर आप सही से फॉलो करते हैं मेरे द्वारा दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स के। तो ठीक है, तो अगर आपको अपने कंप्यूटर को बिल्ड करने वाले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और फिर आप हमें कमेंट करके ना बोलें कि ये ट्रिक्स काम नहीं करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग फील्ड में न्यू है या फिर किसी भी प्रकार का SEO, कोई भी वेबसाइट का SEO आप करना चाहते हैं, आप क्लाइंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे SEO का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का वेबसाइट डिजाइन करवाना हो, एप्लीकेशन डिजाइन करवाना हो, एनीथिंग्स आपको करवाना हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे बड़े दोस्तों देखिए, यहाँ पे अपना कंप्यूटर को वेबसाइट को बीट करना है तो सबसे पहले आपका नीच होना ही चाहिए, उनसे रिलेटेड वो क्या कर रहे हैं आपको देखना होगा। मान लेते हैं सबसे पहला जो मैं 5-6 तरीक यहाँ पे जो तरीके बताने वाला हूँ, तो पहला जो तरीका है दोस्तों, आपको कंप्यूटर का वेबसाइट को कोई भी टूल्स में डालना है। ठीक है, HDFS, फ्रेमरस वगैरह में कोई भी टूल्स में आपको डालना है, आपका वेबसाइट को चेक करना है वह कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, क्या रैंक कर रहे हैं, कितना उनका वैल्यू है, कितना बैकलिंक्स वगैरह, सारा डिटेल आपको निकाल लेना है, SEO को ऑडिट आपको कर लेना फुल। तो ठीक है, उसके बाद जब डिटेल आपका निकल जाएगा आपका कंप्यूटर वेबसाइट का, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको चले जाना है कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स के ऊपर जाने के बाद आपको वो जो जो कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखे हुए हैं, जो इनका टॉप पेजेस का ऑप्शन आता है, टॉप पेजेस में आपको चले जाना है, जो जो उनको आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है उस आर्टिकल पे आप चले उस कीवर्ड पे चले जाओ, फिर सर्च करें गूगल्स में, देखें कि कहाँ पे रैंक कर रहा है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी रैंक कर रहा होगा तो अभी टॉप 10 उस कीवर्ड पे आप निकालें। ठीक है, टॉप 10 जो जो भी रैंक है उनका डिटेल निकालें, उसको ओपन करके देखें देखें कि उन्होंने क्या लिखा होगा टॉप 10 में। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप देखें अपना आपका कंपिटिटर आपसे क्या लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि जब देख लेते हैं कि सब पढ़ लिया कि क्या लिखना है, तो अब आपको अपनी वेबसाइट में देखना है, अपने आर्टिकल में देखना है कि आप में क्या कमी है उनमें। ठीक है, जो कमी होगा उसको आप पूरा कर लीजिए, जैसे FAQ नहीं है तो आप FAQ डाल लीजिए, आर्टिकल में आपको इमेजेज नहीं है तो आर्टिकल में इमेजेज डाल लीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको दूसरा जो तरीका है दोस्तों, मान लेते आर्टिकल वगैरह सब फाइनल हो गया, अब आपको चले जाना है बैकलिंक्स के ऊपर। आप उन्हीं का बैकलिंक्स को आपको निकालना है, उन्हीं का बैकलिंक्स को निकालने के बाद आपको उन्हीं के बैकलिंक को निकालने के बाद अगर वहाँ गेस्ट पोस्टिंग वगैरह लिए हुए हैं या कुछ भी किए हुए हैं, तो जहाँ से वह गेस्ट पोस्टिंग लिए होंगे उनको मेल करना है, उनको मेल करना है गेस्ट पोस्ट के लिए। क्या मेल करना है कि मैं अभी के लिए फ्रेश आर्टिकल लिखा हुआ हूँ आपके लिए, और आपके लिए फ्रेश आर्टिकल लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिख सकते हैं अगर हिंदी वेबसाइट है तो, फ्रेश आर्टिकल आपके बीच लिखा हुआ तो आप हमारे उनके जगह आप मेरा लिंक डाल दीजिए। और इस प्रकार से अगर उनको आप करेंगे, आप जहाँ से वो लिए होंगे तो क्या करते हैं कि जो न्यू आर्टिकल रहे ना उनको आप लिंक दे देते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा लेके लिंक देंगे, बहुत सारे फिर देंगे, तो ये चीज़ है। बाकी आप गेस्ट पोस्ट नहीं है तो बाकी बैकलिंक्स आपको कमेंटिंग वगैरह, प्रोफाइल बैकलिंक्स वगैरह खुद से क्रिएट करना होगा। खुद से क्रिएट करने के लिए दोस्तों आप उनका जो बैकलिंक्स का लिस्ट है, कौन सा एंकर टेक्स्ट पे बनाए, कौन सा कीवर्ड्स पे बनाए और कौन सा लिंक्स पे बनाए हैं, ठीक है, ये चीज़ सब कुछ पता चल जाएगा। ये चीज़ को आपको चले जाना है, उसके बाद आपको धीरे 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 बनाते रहना बैकलिंक्स। आपको बनाते बनाने के बाद दोस्तों आपको 2-3 दिन पे आपका आर्टिकल अपडेट करते रहना है। ठीक है, आपका आर्टिकल जो अपडेट करते रहना है, इससे क्या होगा कि गूगल बोलेगा कि हाँ अब फ्रेश आर्टिकल है, और उस आपका कंप्यूटर जो हुआ तो अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रैंक हो चुका है, आपका तो रैंक नहीं हुआ ना, तो आप अपडेट वगैरह करते रहिए, इंटरनल लिंकिंग वगैरह करते रहिए, तो इससे क्या होगा गूगल को लगेगा कि हाँ यार बंदा मेहनत कर रहा है, तो आपका जो रैंकिंग अप कर देगा।
सबसे पहले जो तीसरी चीज है यहाँ पे, आप CTR को बढ़ाइए। CTR को कैसे बढ़ाएंगे, आप टाइटल और मेटा टैग, ठीक है, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लिखे, ताकि कोई भी यूजर जाए तो उस पर क्लिक कर दे। आप सभी वेबसाइट छोड़ के आपका वेबसाइट पे क्लिक कर दे तो इससे क्या होगा कि CTR बढ़ जाता है। CTR बढ़ने से दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रैंकिंग में, बहुत जल्द रैंकिंग हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ है, आपको CTR पे भी ध्यान देना है। चौथा चीज़ है दोस्तों आपका वेबसाइट का स्पीड, आपको देखना है अपना कंपटीटर का वेबसाइट को चेक करना है कि इनका स्पीड कितना है। अगर उनका स्पीड अच्छा खासा होगा तो आपको उनसे ज़्यादा स्पीड को कर लेना है, ठीक है, उनसे ज़्यादा आपको स्पीड को कर लेना है, वेबसाइट को कस्टमाइज कर लेना है। वेबसाइट का स्पीड कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो। बाकी वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप वीडियो देख करके कर सकते हैं, बाकी अगर टाइम नहीं है या कुछ तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है दोस्तों, जो यहाँ पे नेक्स्ट तरीका जो है वह है दोस्तों आपको सोशल मीडिया पेजेस पे आपको शेयर करना है। ऑब्वियसली बात है, जिस वेबसाइट आपको, जो वेबसाइट होगा उसके थ्रू उनके लिए आप पेजेस वगैरह बना करके रखे ही होंगे, अगर नहीं बना करके रखे हुए तो आप बनाए, ठीक है, आप बनाए तो वो बना करके उनको शेयर करें, फेसबुक ट्विटर वगैरह पे शेयर करें। यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगेगा तो यहाँ पे जाना लिंक, यहाँ पे आर्टिकल जो रैंक करने की चांसेस बढ़ जाती है, सभी जगह से ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट तरीका जो है दोस्तों वह है आपको वीडियो इम्बेड जरूर करें आर्टिकल्स में अपना, ठीक है, वीडियो इम्बेड जरूर करें, यूट्यूब वीडियो इम्बेड जरूर करें, ताकि इनसे बहुत फायदा मिले। इनसे क्या होता है ना, इम्बेड करने के बाद यहाँ पे बॉन्स बॉन्स रेट जो होता है तो बाउंस बैक होने का बहुत कम चांसेस रहता है, क्योंकि वीडियो लोग देखने लगते हैं। इससे क्या होता है, वेबसाइट का जो रियल टाइम से वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद यह भी एक रैंकिंग फैक्टर के अंतर्गत ही आता है, और आप इस प्रकार से रैंकिंग कर सकते हैं, अपने कंपटीटर को बीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है दोस्तों, अगर आपको जिस भी टॉपिक में कैटेगरी में नीच में आपका वेबसाइट है उस नीच से रिलेटेड अगर आप सक्षम है तो एक यूट्यूब चैनल बना लें। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद वहां पे अपडेट करते रहें और अपना लिंक शेयर करते रहें वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इससे भी बहुत अच्छा खासा रैंकिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर से बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, अब मिलते ही मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीका जो है दोस्तों, अगर आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिल गया तो आप ज़्यादा एड कोड ना लगाएं जिससे यूजर को पढ़ने में समझने में परेशानी हो, ठीक है, आपको सिंपल सा एड कोड लगाना है ताकि यूजर फ्रेंडली भी हो, रिस्पॉन्सिव भी हो और अच्छा खासा हो, ना कि आप भर भर के एड्स सिर्फ डाल दे रहे हैं, तो इसे क्या होगा गूगल यूजर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो फिर आपकी वेबसाइट पर नहीं जाते हैं क्योंकि आपका एड्स ही भरा हुआ रहता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ गूगल एडसेंस के ऐड ही नहीं, कोई भी एड्स अगर आप यूज करते हैं तो उनको ज़्यादातर न लगाएं, ठीक है, आपको लगाना है लेकिन आप जहाँ पे लगाने का है वहीं पे लगाएं, ज़्यादातर अगर आप लगा देते हैं तो कोई फायदा भी नहीं है दोस्तों, ज़्यादा क्लिक्स भी आ जाएंगे, इसे एडसेंस भी डिसेबल हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अच्छा से चल के यहाँ पे काम करना होगा। नेक्स्ट जो तरीका है दोस्तों आपको जो बता दूं वह है पेड बैकलिंक्स, ठीक है, आपको पेड बैकलिंक्स भी ले करके आप अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकते हैं, अगर रैंक नहीं कर रहा तो। पेड बैकलिंक लेने के लिए दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा लिंक management.com का, वहां से जा करके आप लिंक्स को बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म से बाय करने के लिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका जा करके आप बाय कर सकते हो। और नेक्स्ट जो लास्ट अंतिम तरीका दोस्तों वह है सबसे इम्पोर्टेंस में आता है, वह है होस्टिंग, ठीक है, आपका होस्टिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। होस्टिंग अगर बहुत बढ़िया नहीं है, आपका स्पीड कस्टमाइजेशन नहीं हो रहा, स्पीड में होस्टिंग में ही आपका जो है ना, अगर होस्टिंग अच्छा रहता तो उससे क्या होगा कि वेबसाइट को लोड होने में टाइम नहीं लगता, फटाक से लोड हो जाता है, ठीक है। तो आप न्यू है, बिगनर है, तो आप होस्टिंगर का होस्टिंग ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आपको अगर वहां से अगर हमारे लिंक के थ्रू परचेज करते हैं दोस्तों तो आपको प्रीमियम थीम्स टेम्पलेट मैं फ्री में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।